Dear students of 10th class, today we will discuss one of the important question जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुका है, उसको आज हम सिंपलीफाई करने वाले हैं. एंड इट इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.3. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुका है. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके. नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.3. क्वेश्चन इज हियर, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान जेज इन इयर्स 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ. दो कंडीशन है यहां पे, रहमान है, रहमान की एज यहां पे गिवन है, उसके लिए कंडीशन है. एक कंडीशन है 3 years फ्रॉम एगो, 3 साल पहले, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और 5 साल होने के बाद उन एजेस का जो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स दैट इज 1/3. फाइंड द प्रेजेंट एज, हमें प्रेजेंट एज देखनी है. सॉल्यूशन इसके सिंपल सा क्वेश्चन, हमें प्रेजेंट एज देखनी है. टेकिंग सॉल्यूशन इसका, एक्स बी रहमान प्रेजेंट एज, हमने रहमान की प्रेजेंट एज एक्स ले ली, तब जाके अब हमें गिवन कंडीशन पे जाना है. गिवन कंडीशन क्या है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज इन इयर्स 3 years एगो. पहले हम देखेंगे 3 years रहमान की एज क्या होगी, एंड 5 years फ्रॉम नाउ रहमान की एज क्या होगी. 3 years एगो, 3 years एगो रहमान एज, रहमान एज एक्स इसकी एज आज है, आज से 3 साल पहले इसकी एज क्या थी. डियर स्टूडेंट्स, अगर मान ले अगर किसी बच्चे की एज प्रेजेंट एज 10 years होगी, अब 3 साल पहले इसकी एज क्या होती, उसकी 3 साल पहले उसकी एज 7 years होती, दैट इज प्रेजेंट एज माइनस जितने साल हम पीछे जा रहे हैं. यहां पे 3 years है वो, 3 साल पहले उस वक्त उस रहमान की एज एक्स माइनस 3 थी, दैट इज 3 years एगो रहमान एज इज एक्स माइनस 3 years. इसी तरह रहमान की प्रेजेंट एज एक्स है, अब 5 साल के बाद अगर मेरी एज इस वक्त 30 है, 5 साल के बाद क्लियरली 30+5 होगी, 35. यहां पे रहमान की एज एक्स है इस वक्त, अब 5 साल के बाद उसकी एज क्या होगी, क्लियरली एक्स प्लस 5 years. 5 years फ्रॉम नाउ, नाउ रहमानस एज, रहमानस एज इट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, दैट इज एक्स प्लस 5 years. अब हम गिवन कंडीशन पे जाएंगे, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमानस एज इन 3 years है वो, ये हमारे पास है 3 years है वो कि रहमान की एज क्या है, एंड 5 years फ्रॉम नाउ ये भी हमारे पास है. अब उनके सम ऑफ रेसिप्रोकल्स लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन से हमें क्या मिलेगा, दैट इज 1/(x-3) + 1/(x+5). ये गिवन का इट इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस 3 years एगो एज, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ 5 years फ्रॉम नाउ ऑफ रहमान एज, इट इज इक्वल टू बाय क्वेश्चन, इट इज इक्वल टू 1/3. ये हमारे पास गिवन कंडीशन है.
अब इसको सिंपलीफाई कर लेना है, सिंपलीफाई दिस, ये यहां आएगा दैट इज एक्स प्लस फाइव आर एक्स प्लस फाइव प्लस ये यहां जाएगा दैट इज एक्स माइनस थ्री डिवाइड में होगा एक्स माइनस थ्री इंट एक्स प्लस फाइव इट इज इक्वल टू वन ओवर थ्री. नाउ सिंप्लीफाई दिस एक्स प्लस एक्स इट बिकम्स हियर टू एक्स फाइव माइनस थ्री दैट इज प्लस टू डिवाइड एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स इंटू फाइव दैट इज प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स दैट इज माइनस थ्री एक्स. ये स्टूडेंट माइनस थ्री इंटू फाइव दैट इज माइनस फिफ्टीन इट इज नाउ इक्वल टू वन ओवर थ्री. थ्री से इसको मल्टीपल होगा, इससे इसको मल्टीपल होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दैट इज सिक्स एक्स प्लस सिक्स इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइव एक्स में से थ्री एक्स दैट इज प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन. अब सभी टर्म्स को एक साइड में लाए और वी हैव हियर इसी को राइट साइड में ले जाइए एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स जब राइट साइड में जाएगा इट बिकम्स प्लस माइनस सिक्स एक्स माइनस ए प्लस दैट इज इट बिकम्स सॉरी फॉर दिस माइनस फोर एक्स ये राइट साइड में जाएगा इट बिकम्स नेगेटिव सिक्स एक्स यहां पे ऑलरेडी प्लस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स से प्लस टू एक्स चला जाएगा वहां पे रहेगा माइनस फोर एक्स ये माइनस सॉरी प्लस सिक्स था ये जब राइट साइड में जाएगा इट बिकम्स नेगेटिव वहां पे ऑलरेडी हमारे पास माइनस फिफ्टीन है दैट इज माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्स इट बिकम्स माइनस ट्वेंटी वन इट इज इक्वल टू जीरो. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हमें इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है. हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सुप्लीटिंग ऑफ मिडल टर्म यूज कर लेंगे. वी हैव हियर ट्वेंटी वन ए सी इज इक्वल टू ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन इसके फैक्टर्स हमारे पास है थ्री सेवन थ्री सेवन. सुप्लीटिंग ऑफ मेथड ऑफ सुप्लीटिंग ऑफ मिडल टर्म जो है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया जो मेरी चैनल पे अवेलेबल है आप उसको जरूर देख लेना. आप इजीली यहां पे देख सकते हैं किस तरह हम मिडल टर्म देख सकते हैं और कौन से वैल्यू किस तरह हम लेते हैं वहां पे आप इसको देख सकते हैं. यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी वन फैक्टर्स हमारे पास आ गए थ्री सेवन. हम इस तरह ले सकते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी वन इट इज इक्वल टू जीरो. क्लियरली सेवन एक्स से थ्री एक्स चला जाएगा दैट बिकम्स माइनस फोर एक्स. अब इन दो टर्म से x कॉमन मिलेगा दैट इज x इंटू एक्स माइनस सेवन प्लस इनमें से थ्री कॉमन मिलेगा दैट इज थ्री इंटू एक्स माइनस सेवन इट इज इक्वल टू जीरो. अब ये कॉमन टर्म है और x माइनस सेवन ये कॉमन मिलेगा यहां पे x रहा यहां पे प्लस थ्री इट इज इक्वल टू जीरो. हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए. If we have product of two factors equal to zero from real system, then either this is equal to zero or this is equal to zero. Either the students x minus seven is equal to zero or x plus three equal to zero. This implies x is equal to seven. ये जब right side में जाएगा और x is equal to minus three. हमारे पास x का वैल्यू आ गया मीन्स ये प्रेजेंट एजेस है. वी हैव x इक्वल टू सेवन सेवन इयर्स है हमारे पास रहमान की प्रेजेंट एज एंड दूसरा वैल्यू भी आ गया x इक्वल टू माइनस थ्री प्रेजेंट एज ऑफ द रहमान. लेकिन प्रेजेंट एज किसी भी शख्स की नेगेटिव नहीं होगी ऑलवेज पॉजिटिव होगी. वन ईयर हो सकती है थ्री ईयर्स हो सकती है जो भी होगा पॉजिटिव होगा.
इसका मतलब हमारे पास ये रहमान की प्रेजेंट एज नहीं हो सकती है. देयरफॉर रहमान इज प्रेजेंट एज इज 7 इयर्स. देयरफॉर रहमान इज प्रेजेंट एज इज 7 इयर्स. इस तरह इस क्वेश्चन को हमने सिंपलीफाई किया. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.